हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर कर रहे हैं। क्लास 11 एक्सरसाइज 6.1 लीनियर इनइक्वालिटी, इसका पहले दो वीडियो बना चुका हूं। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्व करो, पहले भी सॉल्व किए, अब एक नया बात आया कि नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करके आप क्लियर करो। तो क्लियर करो, एक एक करके करता हूँ, देखिएगा बहुत आसान चैप्टर है। 17 नंबर ही सही, ये 3x-2 <2x+1। रूल क्या, पहले हम लोग सॉल्व तो कर ले। 3x-2x < ये 2x इधर लाया तो ये 1+2, यानी 3x से x गया, x इज लेस देन 3। नंबर लाइन में ये 0, 1, 2, 3, एक्स का वैल्यू लेस देन 3, 3 नहीं लेस देन 3, ये शो करना है आपको नंबर लाइन में। और आंसर होगा इसका x = −∞ to 3। 3 भी इंक्लूडेड नहीं, और इन्फिनिटी में भी तो 3 का इस साइड में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है। इस तरह से नंबर लाइन में शो कर दिया, बिल्कुल आसान बात है। पिछला क्वेश्चन में नंबर लाइन में शो करने नहीं दिया था, यहाँ यह भी कॉन्सेप्ट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 यही मिटा देता हूँ, नंबर लाइन में शो किया, आंसर लिखा। नंबर 17 कर चुके, 18 भी देखता हूँ। 18 नंबर 5x-3 > or = 3x-5। पहले जो हम करते हैं वो तो पहले कर ले। ये 17 हो चुका है, 18 अभी कर रहा हूँ। 18 तो प्रोसीड तो उसी तरह करिए भाई। 5x-3x > or = ये 3 उधर गया, 3 - 5। 5x से 3x = 2x > or = 3 - 5 - 2। x > −1, पॉजिटिव से डिवाइड होता है। x > or = -1, ये नंबर लाइन में 0, ये -1, ये -2। x का वैल्यू -1 से ग्रेटर, ये -1 इंक्लूडेड, ये सिंबल दिया है इक्वालिटी तो इंक्लूडेड, -1 से लेके यहाँ तक। और हम लोग आंसर लिखेंगे −1, −∞, −1 = में है तो ब्रैकेट में ये इक्वल रहेगा, बड़ा ब्रैकेट ये रहेगा। ओके, 18 ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट या आइडिया के लिए ही है। क्वेश्चन और बढ़ेगा एक्सरसाइज में, तब आपको टफ टफ मिल भी सकता है। ये बिल्कुल आइडिया के लिए ये टॉपिक है, इसको मिटाता हूँ। 18 नंबर, 19 नंबर, चलिए 19 नंबर में 3, 1 - x फिर < or = 2x + 4। पहले अपना काम कर लें, 3 - 3x < or = 2x + 8। तो x वाला को अलग रखता हूँ, −3x - 2x = ये इक्वेशन जैसा ही होता है, इस प्लस को माइनस में लाइए, माइनस को प्लस में लाइए, ये तरीका। तो −3x - 2x ये जो भी हो > or = 8, और ये +3 तो उधर जाएगा -3, ये −5x < or = 5। अब रहा बात, ये शुरू माइनस से अगर भाग देंगे हम लोग, 5 5 अगर कैंसिल करेंगे तो x, ये सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस, या एक लाइन ऐसा भी दिखाऊं कि −x < 5 5 कैंसिल किया 1, दिस इंप्लाय x > −1। मीनिंग क्या, -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, लेकिन इनइक्वालिटी जब नेगेटिव से चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा।
x का वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर, नंबर लाइन में शो करो, जीरो माइनस वन इधर वन जो भी हो, माइनस वन से ग्रेटर, माइनस वन ले के, माइनस वन से लेके ए ग्रेटर, और आंसर हम लोग लिखेंगे माइनस वन ले के, इक्वालिटी है इसलिए ये ब्रैकेट अप टू इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। तो ये सिर्फ एकदम बिल्कुल आसान, एक्स का रेंज निकालिए कहाँ से कहाँ तक है और नंबर लाइन में इसको डिनोट कर दीजिए, मिटा दो इसको। बुक में डिनोट करने का तरीका बोल्ड लाइन से दे देता है, मैं इस तरह से तीर मार के दिखा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसे एग्जाम में भी कर सकते हो। 19 किए 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, एक्स बाई टू ग्रेटर और इक्वल टू 5x माइनस 2 बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 बाई 5। पहले अपना काम कर लेते हैं, ये एलसीएम वगैरह 15, ये 5 से आ जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 3 से इंटू करेंगे 21x माइनस माइनस प्लस 9। एक्स बाई टू ग्रेटर और इक्वल टू 25 से 21 गया, ये 4x 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 9 दैट इज माइनस 1 बाई 15। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, कब नहीं कर सकते हैं, जब नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव नंबर है 15x ग्रेटर और इक्वल टू इधर जाएगा 8x माइनस 2 तो 5x सॉरी 15x 15 इंटू एक्स 15x 2 फोर जा 8x 2 इंटू माइनस 2 15x माइनस 8x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2 15 से 8 गया 7x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2 यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2 बाई 7। ठीक, तो एक बार देख लेता हूँ, 5x माइनस 2 15 हुआ एलसीएम 15 एयर 5 जा 25 2 जा 10 माइनस 37 जा 21 माइनस माइनस प्लस 9 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 1 माइनस 1 एलसीएम 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 15x इधर 2 4 जा 8 माइनस 2 15x 8x को भी इधर ला दिया माइनस 2 रहने दो 5 सॉरी ये 15x से 8x गया 7x इज ग्रेटर देन माइनस 2 x इज ग्रेटर देन माइनस 2 बाई 7। नंबर लाइन में आप शो करोगे 0 माइनस 2 बाई 7 कोई भी माइनस 2 बाई 7 ले लो उससे बड़ा है, इक्वालिटी भी है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे माइनस 2 बाई 7 से अप टू इन्फिनिटी बड़ा है, माइनस 2 बाई 7 का यहाँ इक्वालिटी साइन है इसलिए ये सिंबल देंगे ये सिंबल देंगे, नंबर लाइन में भी शो हो गया और आंसर भी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का ये था, इस क्वेश्चन है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स टोटल, माने एवरेज मार्क्स उसका अगर 90 होता है देन रिजल्ट इज ग्रेड ए, 90 मार्क्स या मोर देन 90 मार्क्स ग्रेड ए पाने के लिए। इन द 5 एग्जामिनेशन ईच 100 मार्क्स, 5 एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स का पेपर सब है। सुनीता मार्क इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87 ऐसा फर्स्ट 4 में है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए, 5th में कितना लाए जिससे कि उसका मेंटेन ग्रेड ए हो, ग्रेड ए हो मतलब 90% हो या उससे ज़्यादा हो। तो लिखेंगे लेट मार्क्स ऑब्टेंड इन 5th जो भी हो 5th कोर्स इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया 5th में कितना चाहिए जिससे कि उसका एवरेज 90 हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, एवरेज 90 हो यानी 87 मार्क्स है प्लस 92 मार्क्स प्लस 94 मार्क्स प्लस 95 मार्क्स प्लस पांचों मिलके x मार्क्स डिवाइडेड बाय 5 1 2 3 4 5 ये मस्ट बी ग्रेटर देन
कम से कम मिनिमम 90% आना चाहिए, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 90, या एवरेज ऑफ 90 इक्वल टी भी होगा, 90 मिलने से भी ग्रेड ए, 90 के ऊपर मिलने से भी ग्रेड ए। ग्रेड ए पाने के लिए फिफ्थ में मैंने एक्स पकड़ा, वेरी सिंपल काम करिए, कुछ भी नहीं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, 5, 4, 9, 9, 11, 12, 12 और 7, 19, 5, 4, 9, 9 plus 2, 11, 11, 11 plus 7, 11 plus 7, 18, ये जोड़ करके लिख देता हूँ सिंपली बात, 87, 92, 94, 95, 87, 92, 94, 95, 87, 92, 94, 95, प्लस करने 7, 2, 9, 4, 13, 5, 18, 8, 1, 8, 9, 9, 18, 18, 9, 3, 27, और इधर भी 27 और 36, 36 मार्क ये टोटल आता है, ठीक। फिर भी प्लस कर लूँ, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11 और 7, 11, 7, 18, 8, कैरी 1, 9, 10, 9, 19, 19, 2, 28, 28 और 8, 36, 36। तो ये आया है 368 plus x greater or equal to 9, 5, 45, 450। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 450 minus 368, यानी x मस्ट बी greater or equal to 0 से 8 गया 2, बचा यहाँ 4, 14 से 6 जाएगा 8, बचा यहाँ 3 हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स इक्वल टू 82, मिनिमम 82 इसको मिलने से आपका इस कैंडिडेट को 90% मार्क मेंटेन रह जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन भी करता हूँ, इसे मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 21, रवि ऑब्टेंड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। एक ही बात, एवरेज उसको 60 लाना चाहिए। लेट द मार्क्स इन थर्ड, रवि ऑब्टेंड 70 मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड होना चाहिए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट में मिला है 70, 75, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो लेट द मार्क्स इन थर्ड या थर्ड जो भी हो इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज मार्क्स उसका आना चाहिए 70 plus 75 plus x / 3 एटलीस्ट 60। तो 5, 7, 7 = 14, कैरी 1, 145, ये 70, 70, 140 और ये 5 प्लस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 18, ये सॉरी मिनिमम मार्क्स ऑफ 60, 60, 180। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 180 minus 145, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 से 5 गया 5, 7, 7 से 4 जाएगा 3, 7 से 4 जाएगा 3, 1, 1 कैंसिल। देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इक्वल टू 35, मिनिमम 35, 35 के ऊपर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हेलो सर, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 पहले लिखा हूँ, ये लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन,
क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन पॉजिटिव नंबर्स, कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स माने दो के बाद चार, चार के बाद छः, ये कंजुगेटिव इवन नंबर्स हुआ। ऑड में भी 1, 3, 5, 7 ये ऑड हुआ। कहने का मतलब है मेरा, दो कंजुगेटिव इंटीजर, सिंपली कंजुगेटिव इंटीजर का डिफरेंस वन होता है, जब ये ऑड का बात करते हैं तब टू डिफरेंस होता है, इवन का भी टू डिफरेंस होता है। क्वेश्चन है यहाँ फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5। अच्छा ये देखेंगे, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स, तो लेट द नंबर्स आर एक एक्स और एक एक्स प्लस टू, कंजुगेटिव इवेन नंबर, तो दो जोड़ेंगे तभी इवेन नंबर। ओके, अब बोला फाइंड पेयर, जितना पेयर हो सके इस तरह के निकालेंगे विच आर लार्जर देन 5, एक्स का वैल्यू लार्जर देन 5 होना चाहिए अलग बात, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स प्लस टू इज लेस देन 23, लेस और इक्वल भी नहीं, लेस देन 23। कहने का मतलब 2x इज लेस देन 23, उधर गया तो 21, ये 2 उधर जाएगा, x इज लेस देन 21/2, दैट इज ये आ जाता है 10.5, x इज लेस देन 10.5 x का वैल्यू। अब वो पेयर सब लिखिए जिसका टोटल देयर सम इज लेस देन 23, एक्स का वैल्यू 10.5 से छोटा लेना है और लार्जर देन 5 लेना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स आर 5 से बड़ा, 10.5 से छोटा, तो एक्स का वैल्यू 5 से बड़ा 6 लेते हैं, कंजुगेटिव होना चाहिए इवन नंबर, 6 के बाद 8, क्यों 8, यही सभी, ये 6 लेंगे तो ये 8 आएगा, अदरवाइज समझने के लिए और भी सोच सकते हैं आप, 6 प्लस 8 18 होता है, या लेस देन 23 होना चाहिए, तो 6 8 फिर 8 10 18 लेस देन 23। ओके, देन 10 12 22 लेस देन 23, ये तीन पेयर आया इसका आंसर। क्वेश्चन था ऑल पेयर्स लिखिए इस कंडीशन में, तो ये तीन पेयर ऐसा आया जिसका सम इज लेस देन 23 एंड ईच नंबर इज ग्रेटर देन 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट प्रॉब्लम है, सिर्फ व्हाट प्रॉब्लम देख के आप घबराना नहीं, बिल्कुल आसान बात है, यहाँ तक कि क्लास 8-9 का इक्वेशन से भी ये आसान बात है। तो 23 नंबर क्वेश्चन में फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एक ही टाइप का, बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, लेट द नंबर्स आर पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स आर एक एक्स और ये एक्स प्लस टू, बोलेगा ऑड, हाँ भाई एक्स को ही मैंने ऑड माना, उसमें टू जोड़ेंगे तो फिर दूसरा ऑड ही आएगा, इवेन में भी इसी तरह लिखा था, ऑड में भी इसी तरह लिखा था, एक्स का वैल्यू खुद ब खुद ऑड आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने सपोज किया है, बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, एक्स का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए, ऑल राइट, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स प्लस टू ये मस्ट बी मोर देन 11, मोर और इक्वल नहीं, मोर देन 11, तो ये 2x इज मोर देन 11 से 2 गया 9, x इज ग्रेटर देन 9/2 मतलब 4.5, therefore required pairs are required pairs are क्या क्या required pairs are, एक नंबर बात बोला जो x का वैल्यू 4.5 से कम होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला ऑल पॉजिटिव ये निकालिए व्हिच आर स्मॉलर देन 10, 10 से कम ले, 10 से कम ले और टोटल सम 11 हो, x का वैल्यू 10 से कम ले, 4.5 से तो बड़ा है, 10 से कम, 10 से कम मतलब क्या, 10 स्मॉलर व्हिच ऑफ व्हिच स्मॉलर देन 10,
स्मॉलर देन 10 लेने से x का वैल्यू 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा तो 5 ले लेता हूँ, 5 के बाद ये 5, 5 के बाद तो 7 दूंगा, 7 कंजुकेटिव 5 7 मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था, सम मोर देन 11 चाहिए था, मैं सोच रहा था लेस देन 11 चाहिए था, तो नहीं x का वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, ओके 5 ले सकते हैं, 5 के साथ 7 कंजुकेटिव ऑड होना चाहिए और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, तो ये मोर देन 11 हुआ। सेकेंड पेयर देते हैं 7, तो 5 7 7 9, ये तो मोर देन 11, नो डॉट मोर देन 11, 7 और 9 16 मोर देन 11, फिर 9 और 11 ये हो जाता है 20, मोर देन 11 ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि फाइंड द पेयर ऑफ कंजुकेटिव और पॉजिटिव इंटरस ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10 कहने का मतलब ये वाला नहीं लेंगे, 10 नहीं लेना है हमको, ये रिक्वायर्ड पेयर ऑफ आंसर इतना। एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 23 था, 23 में 23 में 5 7 7 9, 5 7 7 9 ये आंसर हो गया। मैं बाद वाला में कंफ्यूज था क्या कि 9,11 भाई x का वैल्यू 10 से कम लेना है, तो ये भी 10 से कम लेना है, इसीलिए यहीं पर स्टॉप कर दिए, ये इसका आंसर हुआ 23 का। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 पहले लिखा हूँ तो ही कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज है, कंटिन्यूस आप देखिएगा। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ऐसा एक ऐसा समझ लो, ये कोई पीस है, इसका लेंथ है 91 सेंटीमीटर, ओके। इससे ये 3 टुकड़ा करेगा। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स, 3 टुकड़ा करेगा, एक ही बांस को 3 पीस करेगा, ओके। कंडीशन सब दिया है, कौन किससे बड़ा होना चाहिए, कौन क्या होना चाहिए। चलिए 91 टोटल है, द सेकेंड लेंथ, यहाँ से द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो इस सब केस में नो डाउट पहले शॉर्टेस्ट हम लोग मानेंगे, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ या इक्वल टू एक्स। बात देखिएगा, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट तो एक्स हुआ, सेकेंड एटलीस्ट इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, ये एक्स प्लस 3, ओके सेकेंड वाला शॉर्टेस्ट लेंथ एक्स, उसका बाद सेकेंड लेंथ जो है 3 ज्यादा, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड वाला बोला, थर्ड वाला का होना चाहिए शॉर्टेस्ट का 2 टाइम्स, ओके। ये रूल दिया, 3 टुकड़ा आप ऐसा करो, सबसे छोटा टुकड़ा जो भी हो उससे 3 बड़ा होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, और थर्ड वाला साइज ये शॉर्टेस्ट का डबल होना चाहिए, इसी पीस से निकलेगा ये। ये एक नंबर बात हुआ। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है हम लोग का, ये तीनों पीस मिल के एक्स प्लस 3 प्लस 2x ये मस्ट बी लेस देन 91 या इक्वल टू भी दे सकते हैं। 91 लंबा ही है मेरे पास, 91 का बस, तो 91 को ही ना टुकड़ा करेंगे, तीनों टुकड़ा जोड़ के 91 के ऊपर तो नहीं जाएगा, देयरफॉर तीनों लेंथ का प्लस वो 91 मैक्सिमम हो सकता है, अदरवाइज उससे कम में ही करना पड़ेगा क्योंकि ये पीस ही 91 है। तो तीनों को, तीनों पीस का लेंथ प्लस करने से या तो 91 या उससे कम में हो जाना होना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स 2x 4x इज लेस और इक्वल टू 91 से 3 गया तो 88 ठीक है। 8 3 11 x इज लेस देन 22
यहाँ से निकल गया एक्स इज लेस देन 22, शॉर्टेस्ट साइड इज लेंथ 2। अच्छा यहाँ तक रखता हूँ। अच्छा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। अगेन ये तो अगेन दिया, अगेन फिर अगेन लिखेंगे, ये तो एक पार्ट हुआ। देखिए व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड एक्स का शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इफ द थर्ड पीस, है आपका 1 2, ये थर्ड पीस व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेज इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड तो आपका है ये एक्स प्लस थर्ड है, सॉरी थर्ड है 2x, ये एटलीस्ट होना चाहिए। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, ज्यादा होने से तो और अच्छा है, देन द लॉन्गर देन द सेकेंड, सेकेंड वाला एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव। फिर से पढ़ देता हूँ, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्ट इफ द थर्ड पीस, बोले 2x इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, इससे 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सर, तो ये इसलिए इनइक्वालिटी दिया, लॉन्गर 5 सेंटीमीटर से, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर से लॉन्गर होना चाहिए। यहाँ एक्स का वैल्यू लेस देन 22 आता है, यहाँ एक्स का वैल्यू 2x माइनस एक्स ये 8 आता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 8। अल्टीमेट क्वेश्चन था क्या, ए मैन वांट्स टू थ्री बोर्ड द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर इतना इतना शॉर्ट, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, देयरफॉर शॉर्टेस्ट बोर्ड ऐसा लिख देता हूं 8 से बड़ा होना चाहिए और 22 से छोटा होना चाहिए, ये आपका आंसर है। या लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 8 एंड लेस देन 22, बस इतना इजीली बात हो गया। ये कंप्लीट किया 26, 25 भी कर देता हूँ। तो ये पहला एक्सरसाइज नॉलेज वाला था, कुछ नहीं, फिर भी कर लिए, आपका प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, ये बुक का सर लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन। ओके 25 द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा ट्रेंगल है, चलो भाई ट्रेंगल है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, हम शॉर्टेस्ट साइड ही पहले मान लेते हैं, 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज 3 times, इसको लॉन्गेस्ट दे दिया, ये लॉन्गेस्ट साइड, 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। ओके एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter देन द लॉन्गेस्ट साइड, ये थर्ड साइड है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter shorter है, 2 centimeter shorter द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, कम से कम 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, एक्स का मान निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये पेरीमीटर मस्ट बी एट लीस्ट 61, कम से कम 61 हो, इससे ज़्यादा होने से अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 3 6 7 x ग्रेटर और इक्वल टू ये दे गया 63, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 63/9, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 7 9 देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये कोर्स, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, आप प्लीज
कम से कम फेसबुक में देता हूँ, शेयर कर दीजिए, इसी में भला होगा, मैं आपको हेल्प करते रहूँगा। सब्सक्राइब करने से बहुत अच्छा, कम से कम कमेंट दीजिए जो मैं आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू, फिर दूसरे क्लास के लिए रेडी हो जाइए।